जो है वो लजीज खानों के लिए हमने आपको माजल्ला किस कदर जो है वो गड़े के अंदर डाला है, पस्ती के अंदर डाला है। आज जब मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो लोग जो पेट पे पत्थर बांधते थे, ऐसा है कि वो कमाते नहीं थे, यकीनन कमाते थे, या वो कमाने का हुनर नहीं जानते थे, यकीनन कमाने के हुनर भी जानते थे, लेकिन सच्चाई और सदाकत की बुनियाद पर हालात ये थे कि अल्लाह अकबर तीन तीन दिन, कभी कभी अल्लाह अकबर दस दस दिन घरों में चूल्हा न जले, एक एक महीने चूल्हा न जले। आइए, मुझे एक हदीस पाक याद आती है, बड़ी मशहूर हदीस मुबारक आपने सुनी होगी। हदीस पाक का मफहूम मैं अपने अल्फाज में पेश करूं, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सैयदना अबू बकर सिद्दीक दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में अपने घर से बाहर निकलते हैं, और उसके बाद जो है सैयदना फारूक आजम से मुलाकात होती है। सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम, ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, तो सैयदना फारूक आजम सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं, भाई अबू बकर, ये बताओ कि दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में तुम कभी अपने घर से बाहर निकलते नहीं हो, ये वक्त घर से बाहर निकलने का नहीं है, तुम इस वक्त घर से बाहर क्यों निकले? तो सैयदना सिद्दीक अकबर, सिद्दीक, देखो सादिक वो होता है जो सच बोलता है, यानी जो असल वाकया हो उसी को बयान करने वाले को सादिक कहते हैं, जो असल मामला हो उसी के कहने को सादिक कहते हैं, यानी सच बोलता है, जो बात है उसी के कहने को सादिक कहते हैं। सादिक वो है जो बात के ऐन मुताबिक बोले, और सिद्दीक वो है जो कह दे वही वाकया बन जाए। सिद्दीक वो है जो कह दे वही वाकया बन। तो सैयदना अबू बकर सादिक नहीं कहा गया, कि अबू बकर सादिक नहीं, अबू बकर सिद्दीक, और वो भी सिर्फ सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। नबियों के बाद रूए जमीन पर अगर सबसे सच्चा कोई है वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक से फारूक आजम ने पूछा, निकले क्यों? ये वक्त तो तुम्हारा निकलने का नहीं है। सिद्दीक ने कह दिया सदाकत के साथ, मेरे घर में तीन दिन से चूल्हा नहीं जला है और अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। भूख बर्दाश्त नहीं होती तो दिल ने चाहा कि दोपहर का वक्त है, बाहर निकलते हैं और किसी दोस्त के घर जाकर कुछ तो खा लें, कुछ खा लेंगे तो भूख मिट जाएगी। लेकिन भाई उमर, ये बताओ तुम क्यों बाहर निकले, तुम्हारे बाहर निकलने की वजह क्या है? फारूक आजम ने मुख्तसर जुमलों में कह दिया, भाई अबू बकर, जिस भूख ने तुम्हें घर से बाहर किया है उसी भूख ने मुझे भी घर से बाहर किया है। मेरे घर में भी तीन दिन से चूल्हा नहीं जला है। किस उम्र की बात हम कर रहे हैं? वो जिसके नाम से कैसर व किसरा के ताजदार कांपते हैं। किस उम्र की बात कर रहे हैं? जिसका जिक्र तौरात में है, इंजील में है, कुरान में है, वो मशवरा दे तो उनके मशवरे की ताईद में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल फरमाते, आयत कुरान जिसके मशवरे की ताईद में नाजिल होते। सैयदना फारूक आजम ने कह दिया कि जिस भूख ने तुम्हें घर से बाहर किया बस उसी भूख ने मुझे भी घर से बाहर किया। दोनों मशवरा कर रहे थे कि जाए किसके घर। अभी ये गुफ्तगु हो रही थी कि देखा कि सामने से आमिना का लाल मुस्तफा करीम, वो रसूल जिसके बारे में अहले सुन्नत का इमाम यूं कहता हो, आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा, जिसके दर से लोग पलते हैं, कायनात पलती है, जो कासिम नेमत बनाकर भेजा गया हो, जो मालिक जन्नत बनाकर भेजा गया हो, जिसके दर का सवाली मुर्गे सिदरा जिब्रील अमीन हो, नबी जहां से पाए, सहाबा को जहां से मिले, औलिया की झोलियां जहां भरे, वो मुस्तफा करीम
कौनैन का आका मालिक जन्नत मालिक कौनैन तशरीफ लाते हैं और दोनों यारों को खुद से सलाम करते हैं। और उसके बाद मेरे रसूल का सवाल यह है, दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में तुम लोग यहां क्या कर रहे हो, क्यों इस वक्त तो धूप में बाहर निकले हो? तो दोनों यारों ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हुजूर, हमारे घरों में तीन तीन दिन से चूल्हे नहीं जले हैं, इसीलिए या रसूल अल्लाह हम घर से बाहर निकल गए, भूख ने हमें घर से बाहर किया आका, ताकि किसी साथी के घर जाकर कुछ खा पी लें। या रसूल अल्लाह हम तो भूख की वजह से घर से बाहर निकले, लेकिन हुजूर हम आपसे पूछ सकते हैं कि ये वक्त तो हुजूर के घर से बाहर निकलने का नहीं है, आका ये बताएं कि आप इस वक्त तो दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में घर से बाहर क्यों निकले? तो मेरे रसूल ने फरमा दिया कि तुम्हारे घरों में तीन तीन दिन से चूल्हे नहीं जले, लेकिन मोहम्मद के घर में एक महीना हो गया है चूल्हा नहीं जला है। जिस भूख ने तुम्हें घर से बाहर किया है, उसी भूख ने मुझ मोहम्मद को भी घर से बाहर किया है। मैं चाहता हूं कि किसी के घर जाकर जो है किसी साथी के घर जाकर कुछ खाऊं। यहां पर कुछ लोग हैं जिन्हें हजियान बकने का मौका मिलता है, देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर एक महीने तक चूल्हा नहीं जला, तो हुजूर खुद से घर से बाहर निकले। खुदा के इज्जत और जलाल की कसम, मेरे रसूल को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी, ये हिकमत के तहत था, तालीम उम्मत के लिए था, उम्मत की सब्र के लिए था। वरना बुखारी शरीफ की हदीस तो है ना, आकाए करीम फरमाते हैं जब मेरे रसूल ने सौमे विसाल रखना शुरू किया तो लोगों ने देख करके रखना शुरू किया, जब देखा कि लोगों के चेहरे पीले पड़ने लगे, लेकिन मुस्तफा करीम की सुर्खी तो अपनी जगह कायम है, लोग जो है वो खड़े होने से आजिज होने लगे, लेकिन मुस्तफा करीम की ताकत का आलम ये है, इशारा करते हैं तो पत्थर बोलने लगते हैं, ये मेरे रसूल की ताकत है। और मुसलसल सौमे विसाल है तो जब आकाए करीम ने फरमाया तुम्हारे जवानों के चेहरे पीले क्यों पड़ते हैं, ये खड़े होने से आजिज क्यों होते हैं, तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपको देखकर सौम्य विशाल रखना शुरू कर दिया, तो आका ने फरमाया तुम में कौन है जो मेरी तरह है? सुनो मैं वो हूं, मैं अपनी रातें अपने अल्लाह के साथ गुजारता हूं, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है। उलमा की तहकीक ये है, अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला ले फरमाते हैं, हुजूर अलैहि सलाम अगर सारी जिंदगी कुछ ना खाते ना तो हुजूर को खाने की जरूरत नहीं थी, फिर पेट पे पत्थर क्यों बांधे? पेट पे पत्थर इसलिए बांधे, शेख अबू तालिब मक्की फरमाते हैं अगर वो पेट पे पत्थर ना बांधते तो हुजूर अलैहि सलाम जो कई दिन तक ना खाए और पेट पे पत्थर भी ना बांधे तो हुजूर अलैहि सलाम के जिस्म की जो मलकूतियत थी वो जाहिर हो जाती। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक ये जो इस दुनिया से था वो इस दुनिया की बजाय जो है वो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आलमे नूर से जो ताल्लुक था, लोग अपनी निगाहों से देख लेते थे, अरे आका तो आका है। सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला का हाल ये था कि आखिरी उम्र में जब लोग गौसे पाक से मुसाफा करते तो उनका हाथ लोगों के हाथों से निकल जाता था, यानी जिस तरीके से हवा को कोई पकड़ नहीं सकता, आग को कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसे बहुत मर्तबा देखा गया अखीर उम्र में कि सरकार गौसे पाक से मुसाफा करते तो हाथ हाथ ही में नहीं आता। किसी ने अर्ज किया ऐसा क्यों होता है कि आपका हाथ हाथ में नहीं आता? फरमाते हैं बेटो वो जो अब्दुल कादिर था वो पहले अब्दुल कादिर था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, अब जो कुछ है वो मुस्तफा का जलवा है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे पत्थर बांधने का राज ये था कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो शान है वो उस तरफ लोग अपनी माथी की निगाहों से उसको न देख लें, इसलिए कि देखने की ताब ही नहीं थी, एक नजर देखने की ताब नहीं आलम को। उस्ताज जमन फरमाते हैं एक नजर देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो, वो अगर जलवा करें
कौन तमाशाई हो। इंसान खुद नहीं देख सकता, एक नजर देखने की उसमें हिम्मत नहीं है। अगर वो खुद जलवा फरमाए, वो खुद दिखाने पर आ जाए, वो खुद अपनी शान शौकत के मुताबिक जो है अपनी अल्लाह ने जो उनकी शान उन्हें बख्शी है उसके मुताबिक वो जलवागर हो जाए तो फिर कौन देखने की ताकत रखता है, किसमें हिम्मत है। मेरे प्यारे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों, तो आका ने फरमाया कि वही भूख जो तुमको घर से बाहर लाई है उसी भूख ने मुझे भी घर से बाहर किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने दोनों यारों को लेकर अपने पुराने मेजबान सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला के मकान पर तशरीफ ले गए और उसके बाद हुजूर अलैहि सलाम ने उनके दरवाजे पे दस्तक दी। अबू अय्यूब अंसारी अपने बाग में थे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू पाकर सैयदना अबू अय्यूब अंसारी जो है वो तशरीफ लाए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और फिर सरकार की बारगाह में किस्म किस्म की खजूरें पेश की और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी आप इसको मुलायजा फरमाएं, हुजूर आप इसको तनावुल फरमाएं, मैं अभी खाने का इंतजाम करता हूं, जल्दी से बकरी जिबा की और फिर जो है वो जौ पीस करके आटा तैयार किया और खाना तैयार किया। जब खाना तैयार हो गया तो जौ की रोटी और बकरी के गोश्त का सालन ये तमाम खानों का सरदार कहा गया है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा हुआ है। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी और दोनों यार सरकार के चेहरे की तरफ देखते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने की तरफ देखते हैं और फिर कभी निगाहें नीची कर लेते हैं। इंतजार है कि हुजूर शुरू करें तो हम भी शुरू करें, क्योंकि खाने के आदाब ये हैं कि जब दस्तरखान पर कोई बड़ा मौजूद हो, मर्तबे के एतबार से या इल्म के एतबार से या उम्र के एतबार से, तो जब तक वो शुरू ना करे दूसरा कोई शुरू ना करे। तो दोनों यार मेरे सरकार के खामोश हैं। अबू अय्यूब अंसारी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप जो है वो खाने को मुलाहिजा फरमाए, हुजूर खाना हाजिर है, हुजूर जो है वो खाना शुरू कर दें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी उठाई और सालन से बोटियां उठा उठा करके उस रोटी पर रखी और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अय्यूब मेरी बेटी फातिमा भी कई दिन के फाके से है और उसके घर में तकरीबन एक महीने से चूल्हा नहीं जला है, मैं उसको छोड़ करके कैसे खा लूं, एक काम करो पहले ये खाना फातिमा के घर दे दो उसके बाद हम खाएंगे। वो खाना भिजवाया गया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया और जब खाना मुकम्मल हो गया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू थे। हजरत अबू अय्यूब अर्ज करते हैं, सिद्दीक व फारूक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रोने की वजह क्या है, अब आका आप क्यों रो रहे हैं, खाना खाने के बाद रोने की वजह क्या है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमने कितना लजीज खाना खाया, हमने कितना अच्छा खाना खाया, मैं डरता हूं कि अगर मेरा अल्लाह कयामत के दिन इस खाने के हवाले से मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वादा है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वादा है, इसीलिए तो उस दिन सारे लोग नफसी नफसी कहेंगे, मुस्तफा करीम नफसी नफसी नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद उम्मत की तालीम के लिए हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरा अल्लाह इस खाने के बारे में कई दिन के फाके के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त और जौ की रोटी खा रहे हैं, तो उस मामले में यह फिक्र है, हम तो रोजाना 3 मरतबा पेट भर कर एक से गिजा खाते हैं और फिर उन गिजा में भी इसका फर्क नहीं कि हलाल है या हराम, अल्लाह की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हदीस मैंने पढ़ी थी उसी पे अपनी